दुनिया का एक ऐसा जहरीला किंग कोबरा सांप जो हरी घास में फुकार मार दे तो घास को भी पल भर में जलाकर राख कर दे। बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व रेंज में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों ने किंग कोबरा सांप को रोमांचक शिकार करते हुए अपने मोबाइल के जरिए कैमरे में कैद करके उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि वन विभाग के अफसर किंग कोबरा सांप के दिखने पर खुशी जाहिर भी करते हुए नजर आए। यह है दुनिया का सबसे खतरनाक जहरीला सबसे लंबा सांप किंग कोबरा, जिसकी लंबाई तकरीबन 4 मीटर के आसपास है। बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व रेंज के कंपार्टमेंट संख्या 12-13 की फायर लाइन पर उस वक्त मॉनिटर लिजर्ट का शिकार करते हुए दिखाई दिया जब जंगल सफारी के दौरान पर्यटक घूम रहे थे। जैसे ही किंग कोबरा सांप पर पर्यटकों की नजर पड़ी तो पर्यटकों ने अपने मोबाइल के जरिए किंग कोबरा सांप की शिकार करते हुए तस्वीर अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इधर जैसे ही वन विभाग के अफसरों को किंग कोबरा सांप के होने की जानकारी मिली तो वन विभाग के अफसर खुशी से झूम उठे। जंगल में किंग कोबरा सांप का होना अमानगढ़ के जंगल का वातावरण व पर्यावरण वन्य जीवों के लिए बेहद मुफीद कारगर साबित होगा। वैसे किंग कोबरा सांप साउथ अफ्रीका व दक्षिण एशिया में पाया जाता है। वंदे भारत से श्रोताली की रिपोर्ट। जो साहब अमानगढ़ वन रेंज में किंग कोबरा सांप दिखाई दिया है, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में आप? देखिए, किंग कोबरा जो सांप है एक दुर्लभ प्रजाति का सांप है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सांप माना जाता है और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जो शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है और ये पहली बार वहाँ पे रिपोर्ट हुआ है। हालांकि इसका जो हैबिटेट है वो ज्यादातर कोर क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे जिम कॉर्बेट के कोर क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उसका बफर क्षेत्र है तो उसमें ये पहली बार रिपोर्ट हुआ है और ये एक बहुत खुशी की बात है किंग कोबरा का वहाँ पर देखा जाना। ये जो विश्व के मतलब जहरीले सांपों में से एक है और जनरली ये साउथ ईस्ट एशिया और दक्षिण एशिया में ही ये पाया जाता है तो उसको देखने से हम काफ़ी उत्साहित हैं। तो ये इस बात का इंडिकेट करता है कि हमारा जो अमानगढ़ रेंज का हैबिटेट है वो फल फूल रहा है, वहाँ पर जैव विविधता बढ़ रही है, वनों का आवरण बढ़ रहा है तो इसके देखे जाना एक अच्छी वन्य जीवों की दृष्टि से एक अच्छा प्रतीक है। और मैं कहना चाहता हूँ कि किंग कोबरा सांप जो है जनरली एवरेज इसकी जो लंबाई होती है 3 से 4 मीटर होती है, लेकिन अप टू 6 मीटर भी देखा पाया गया है और काफ़ी प्रोटेक्टेड है। IUCN की रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल मतलब सुभेद की श्रेणी में रखा गया है कि मतलब इनको प्रोटेक्ट करना बहुत है अच्छा माना जाता है और इसको देखने से हम काफ़ी उत्साहित हैं और आगे आगे जैसे भी दोबारा रिपोर्टेड होता है।